गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर वन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आपने कभी देखा है कि स्काई जब सनसेट होता है तो स्काई कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट देखो, सन यहाँ डूबने वाला है और यहाँ पर स्काई कितना सुंदर ब्यूटीफुल दिखता है। और जैसे जैसे सनसेट हो जाता है और रात में किस तरीके से सब तरफ देखोगे कि ब्राइट डॉट्स नज़र आते हैं, आसमान में पूरे ब्राइट डॉट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये क्या है डॉट्स? अब नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, बहुत सारे डॉट्स आ जाते हैं। क्या है? स्टार्स हैं हमारे, ट्विंकलिंग करते हैं। नहीं, ये हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन कुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। अब देखते देखते नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो डॉट्स के बढ़ते जाते हैं। यू कांट काउंट देम एनीवेयर, और इट इज़ काउंटलेस, वी कांट काउंट देम। ओके, द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स सम आर ब्राइट सम आर डिम। और इसमें से जो ब्राइट कुछ होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत से कैसे रहते हैं, डिम रहते हैं। मीन्स उसमें चमक ज़्यादा नहीं रहती, डिम रहता है। ओके, देन डिम, इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टर्ड विद द डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। बट इफ यू लुक एट द रिम देम केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। आप देखोगे तो एफ्टर पूरे आसमान में क्या हो गया, स्काई में पूरे डायमंड से भर गया है। और कुछ कुछ जो उसमें से रहते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, दे सिंपली ग्लो विदाउट द फ्लिकर जस्ट एज अ मून साइंस। और वो जस्ट टिमटिमाते नहीं हैं, सिर्फ वो ग्लो करते हैं जैसे मून ग्लो करता है। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ दिस डे। आप इसके साथ आपको मून भी दिखाई देता है ना, स्टार्स के साथ वहाँ पे। इट मे हाउ एवर अपियर एट द डिफरेंट टाइम्स, और ये इसका क्या है, डिफरेंट टाइम्स में इसका शेप्स जो रहता है अलग अलग रहता है। किसका? मून का शेप जो है आपको कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी आपको छोटा दिखाई देगा, कभी हाफ मून दिखाई देगा आपको। तो उसका शेप्स क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, एक मंथ में एक बार हमको फुल मून दिखाई देता है। फुल मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देता है हम उसको कहते हैं पूर्णिमा। और न्यू मून डे हम उसको बोलते हैं जिस दिन हमको चांद दिखाई नहीं देता है, और उसको हम अमावस्या भी कहते हैं। न्यू मून डे को हम अमावस्या भी कहते हैं। यू हैव टू लर्न दिस, ओके। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट्स क्लियर नाइट। अ न्यू मून नाइट, जो न्यू मून डे है और आप न्यू मून है उस दिन, जो न्यू मून नाइट है और या अमावस्या बोलिए, उस दिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्काई है आपका उसको हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि पूरे अंधेरा रहता है और जो टिमटिम करते हैं, जो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, उनको हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं उस दिन, है ना। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल द ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या कभी सोचा है आपने कि जो हमको ये जो तारे हैं, मून है, ये हमको रात को क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इट इज़ बिकॉज क्यों नहीं दिखाई देते हमको, बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। सन का जो ब्राइट लाइट है बहुत तेज लाइट रहती है सन की, उसकी वजह से वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। ओके, डू नॉट अलाउ ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये हम लोग को उस समय जो ब्राइट लाइट्स रहते हैं सन के दिन में, उसकी वजह से ये हमको दिखाई नहीं देता है। आप बोलोगे सूरज कहाँ डूब के चला जाता है, सूरज डूबता नहीं है, हमारा जो अर्थ है क्या है, वो रिवॉल्व करता है, अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व करता है, जिसको हम रोटेशन, ये आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अर्थ है
वो क्या है, अपनी ही एक्सिस में घूमता रहता है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। मीन्स उसको 24 घंटे लगते हैं अपनी ही रोटेशन में पूरा घूमने के लिए। और सन के और जो अर्थ है हमारा वो मून वो जो सॉरी जो अर्थ है हमारा वो क्या है, सन सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सन के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है वो पूरे एक साल में वो चक्कर लगाता है। ये भी आगे के चैप्टर में आपको क्लियरली आएगा ये सब चीज़ें कि रोटेशन क्या होता है। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस में घूमता है दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जब अर्थ सन के पूरे आजू बाजू चक्कर लगाता है, पूरे सर्कल में चक्कर लगाता है, तो हम उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे कि है, मान लीजिए यहाँ सन है, है ना, और ये जो सन है इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है अर्थ। ठीक है, जब ये पूरा इसको एक साल लगता है, इसको जब इसको चक्कर काटता है तो पूरे एक साल में लगता है ये चक्कर, दैट इज़ उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। ठीक है, द सन, आप पता चला कि क्यों हम लोग को ये जो टाइनी मून है और टाइनी साइनी ऑब्जेक्ट है, ये हमको दिन में क्यों नहीं दिखाते, बिकॉज ऑफ द ब्राइट सन ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ द सन के कारण वो हमको दिन में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े और हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो किससे बने होते हैं, गैसेस, गैस से बने होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है, विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट्स, और वो जो एमिट करते हैं, निकालते हैं इन लार्ज अमाउंट्स। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स किसको बोलते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे एमिट लार्ज अमाउंट्स हीट एंड लाइट इन द लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ओके, और अब जैसे द सन इज ऑल्सो अ स्टार, हमारा जो सन है इज अ सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से ही हमको एनर्जी मिलती, हीट एंड लाइट मिलता है ना अर्थ में। और सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। सम से ठीक है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो उस स्टार्स है, सन भी एक स्टार है, और जो ट्विंकलिंग करते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट, वो भी क्या है, स्टार्स हैं। बट वाई डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, लेकिन हमको जो स्टार्स है वो भी जब जो स्टार वो भी सन भी स्टार है और वो जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं वो भी क्या है, स्टार है, तो हमको उसका हीट एंड लाइट क्यों नहीं मिलता है। सन का तो हीट एंड लाइट हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन जो रात को तारे चमकते हैं उनका हीट एंड लाइट हमको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत, इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर पे हैं, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर में, आप टॉर्च लीजिए और टॉर्च में क्या करिए, उसको ऊपर में पेपर लगाइए, है ना, पेपर में डॉट 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 करके आप छेदे कर सकते हैं। ठीक है, छेदे कर दीजिए और एक बंद कमरे में जाइए जहाँ कहीं रोशनी ना आती हो, अंधेरा हो पूरा, और टॉर्च को जलाइए और अपनी दीवार पे किसी तरफ उसको पॉइंट आउट कीजिए, तो आप देखेंगे कि उस जो आपने छेदे किए थे उसमें से बहुत सुंदर सुंदर से दीवार पे आपको ऐसा लगेगा कि तारे चमक रहे हैं, है ना। पूरा अंधेरा कमरा होना चाहिए तो आपको दिखेगा कि तारे चमक रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फिर आप कमरे की लाइट जलाएंगे तो वो उठ डिसअपियर हो जाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो आपको जैसे ही आप लाइट फिर बंद करेंगे फिर वो आपको विजिबल हो जाएंगे, जैसे आप फिर लाइट ऑन करेंगे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब ब्राइट लाइट आती है तो वो हमको विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है फुल मून हमारा, जब हमको पूरा चांद दिखाई देता है ना, और ये है न्यू मून, दैट इज अमावस्या, और ये है फेसेस ऑफ द मून। मून के डिफरेंट शेप्स होते हैं, ये है आपका डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। देखिए यहाँ फुल मून है, आपने मून को अलग अलग देखा ही होगा शेप्स में, आप है ना, पहले ये फुल मून रहता है, मान लीजिए फुल मून है, उसके बाद देखिए ये क्या आता है, वेनिंग गिबगस, अब ये इस तरीके से कम होते जा रहा है, फिर है ना गिबस मून, फिर आता है
लास्ट क्वार्टर हाफ मून, फिर हाफ मून आया, हाफ मून के बाद वैनिंग क्रिसेंट मून, फिर न्यू मून आ जाता है, न्यू मून के बाद फिर धीरे धीरे से क्या है वो चांद आना शुरू होता है वैक्सिंग क्रिसेंट मून, फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, फिर से हाफ क्वार्टर आ गया, फिर से वैक्सिंग गिबस मून। तो इस तरीके से ये सर्कल है, ये डिफरेंट फेसेस ऑफ, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा शेप होता है मून का, है ना। तो ये डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून का पिक्चर है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। आपने देखा है कि जब हम चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं तो वो हमको बहुत छोटी नज़र आती है। जैसे कि आपने स्काई में एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है, तो एरोप्लेन आप अपने घर से जब एरोप्लेन को देखते हैं तो आसमान में वो हमको बहुत बहुत ही छोटा नज़र आता है, बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है वो। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है ना। वाइल वॉचिंग एट द नाइट स्काई, नाइट स्काई, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म। और हम लोग जब रात को तारे देखते हैं तो आप भी देखिएगा ना, तारे देखिएगा और तारों में देखिएगा कि अलग 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 शेप दिखाई देते हैं हम लोग को। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है, इस तरीके से दिख रहा है, या देखो लियो जैसा दिख रहा है, इसका शेप हम शेप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस शेप में दिखता है, हम लोग अलग अलग शेप दिखता है। तो वॉचिंग वेरियस पैटर्न इज फॉर्म, उसमें अलग अलग पैटर्न फॉर्म होता है, और वो उस ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं, जो पैटर्न बनते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन, ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं फिर से सुनिए, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और उसमें से एक शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, जैसे देखिए उर्सा मेजर और द बिग बियर इज़ वन ऑफ द सच कॉन्स्टिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन। एक आपको उर्सा मेजर दिखेगा, एक आपको बियर, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसमें, और बिग बियर है, ऐसा शेप दिखता है बियर के जैसा दिखता है। और एक आपको सबसे ज़्यादा पहचान में आने वाला है सप्तऋषि, जो सात तारों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ सप्तऋषि, और वो बहुत आइडेंटिफाई किया जा सकता है जल्दी से, है ना। सप्तऋषि, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, ये क्या है? सात तारों से बना है, दैट इज़ सेवन ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। देखिए आपको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शेप्स आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए अलग अलग शेप्स आपको दिखेंगे कैसे बनते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये है उर्सा मेजर का शेप है, देखिए एक बियर की तरह दिख रहा है, और वहीं पर सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये है तीन तारे, और यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये जो पॉइंट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, इसके सीधे में हमको ध्रुव तारा नज़र आता है, दैट इज़ अ पोल स्टार हमको नज़र आता है, ये जो पॉइंटेड है हमारा, इसके नॉर्थ में हमको डायरेक्ट क्या दिखाई देता है? पोल स्टार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए, और ये ऐसा एक इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक बियर के शेप, उर्सा मेजर बियर के शेप में हैं। और ये देखिए एक है ओरियन, ओरियन द हंटर, है ना, एक ये हंटर के जैसा नज़र आता है। देखिए इसके तीन बेल्ट हैं, ये इसके पैर हो गए, और ये इधर से ये इसके बॉडी हो गया, और ये यहाँ पर हंटिंग कर रहा है। तो ये कैसा शेप दिख रहा है? ओरियन जैसे, मीन्स हंटिंग, ओरियन द हंटर के जैसा शेप है। और ये देखिए एक और है यहाँ पे, ये है आपका कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या थी? एक ग्रीक मैथोलॉजिकल की क्वीन है, रानी है ये, और ये जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत आस्था, बहुत सुंदर थी वो, है ना। तो वो देखो ऐसा इमेजिन हो रहा है कि वो चेयर पर बैठी हुई है। तो ये क्या है? कैसियोपिया। तो ये देखिए डिफरेंट शेप्स है, और एक और शेप्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये है लियो मेजर, ये ऐसा लग रहा है लियो बैठा हुआ है ना, लियो मेजर करके शेप है ये। ठीक है, तो ये आपने देखा डिफरेंट शेप्स है, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, इसी को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। क्लियर?
इन द एशियन, अब देखिए क्या होता था, अभी अब भी आपको पता है कि सनराइजेज इन द ईस्ट, आप दिन में खड़े हैं तो आपको पता है यहाँ सूरज उग रहा है, यहाँ से सूरज उगा, दैट इज़ अ वो क्या कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया, और हमारे उसके बैक में हम बोलेंगे क्या होगा, वेस्ट होगा, और राइट साइड में साउथ और लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा। लेकिन रात को भी तो लोगों को कैसे पता चलेगा, रात को तो सूरज रहता नहीं, तो कैसे उन लोग अपने डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो इन बहुत पुराने समय में, इन एंशियंट टाइम्स, पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट्स विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स, उन लोग तारों की मदद से अपना डायरेक्शन को फाउंड आउट करते थे। तो जो नॉर्थ स्टार था, नॉर्थ स्टार उसको वो इंडिकेट करता था ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ स्टार मीन्स आपका पोल स्टार, अभी मैंने बताया कि 7 स्टार्स से मिलकर बना हुआ है हमारा वो पोल, जैसे ये देखिए 1, 2, 3, और ये जो इसका इंडिकेशन दे रहा है, ये जो इसका मेन पॉइंट एंडिंग है उसके सीधे नॉर्थ पे हम देखेंगे, सीधे डायरेक्शन पे, तो वो हमको क्या दिखाई देगा, नॉर्थ स्टार। सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि के जो 7 तारे हैं उसमें से एक जो पॉइंटेड तारा है, इट ऑलवेज उसको हम सीधे से देखेंगे तो वहाँ से हमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखेगा, दैट इज़ द वहाँ पे हमको पोल स्टार दिखेगा, और वो पोल स्टार को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्लियर, पोल स्टार को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्लियर, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और उसकी जो पोजिशन होती है स्काई में सेम रहती है, बदलती नहीं रहती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। कौन, पोल स्टार, दैट इज़ अ ध्रुव तारा, है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, तो लोग रात को उसको देखकर ही डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। ठीक है, यू विल नोटिस इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटेड स्टार द एक्सटेंड फर्दर इट विल बी डाउन पॉइंट टू द पोल स्टार, जैसे ये बताया मैंने, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए ये है, यहाँ से ये अब 3 स्टार आ रहे हैं, फिर ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, और इसका जो पॉइंटेड साइड में सीधे हम देखेंगे तो ये हमको पोल स्टार नज़र आएगा। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो हैं उनकी क्या होता है, उनका खुद का लाइट नहीं होता, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे लीड बाई द, और उनको लाइट कहाँ से मिलती है, स्टार से लाइट मिलती है, दे लीड देयर लाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, उसको क्या कहते हैं, प्लैनेट, अर्थ इज आवर, जो हमारा अर्थ है जिसमें हम रहते हैं वो भी क्या है, प्लैनेट है, इसका खुद का जो हीट एंड लाइट नहीं रहता है, इसको हमको कहाँ से लाइट मिलता है, हीट एंड लाइट हमको सन से मिलता है ना, दे लीड अप द लाइट ऑफ द स्टार्स, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स कहाँ से है, वर्ड प्लैनेट ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ कम फ्रॉम प्लैनेटिया विच मीन्स वंडर्स, वेंडर्स मतलब वेंडर्स मीन्स घूमते रहने वाले, है ना, घूमने वाले, तो प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के पूरे आस अगल बगल घूमते रहते हैं। ठीक है, सन के अगल बगल घूमते हैं, कौन, प्लैनेट्स जो होते हैं। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, अर्थ जहाँ हम रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लैनेट है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, वो उसको कहाँ से हीट एंड लाइट मिलता है, सन से मिलता है। ओके, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, और सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक द अर्थ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून, यदि हम अर्थ को बहुत दूर से देखें या मान लीजिए मून से, तो हमको कैसा दिखाई देगा, एक जस्ट शाइनिंग दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, मून के जैसा ही दिखाई देगा हमको, चमकता हुआ दिखाई देगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, जो मून हम देखते हैं स्काई में वो सैटेलाइट होता है। अब सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट के जो देखिए हमारा सन क्या है, स्टार है, सन के अगल बगल बगल कौन घूमता है, प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के जो आजू बाजू जो घूमता है उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, वो उसका कंपेनियन है, फ्रेंड है, और उसके आसपास घूमता है। ठीक है, लाइक अवर अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स, हमारे अर्थ के जैसे और 7 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 7 अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो देयर,
दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जिसको हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. सम ऑफ देम हैव देयर ओन देयर मून्स टू. उनके खुद के भी मून्स हैं, और जो प्लैनेट्स हम आगे पढ़ेंगे उनके खुद के भी मून्स हैं. ओके, अब हम आते हैं द सोलर सिस्टम. अब ये सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलार मीन्स सोल मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या सन गॉड. ये सोल मीन्स सन गॉड. ओके, तो देखिए द सन और हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ को मिला के, अभी मैंने ऊपर 7 पढ़ा था तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. अर्थ को छोड़ के 7 प्लैनेट्स, अर्थ को इंक्लूड करेंगे तो दैट इज़ 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो है, और एंड सम अदर्स क्रिस्टल सेलेस्टियल बॉडी, और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हैं नोन एज एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स, ये सब मिला के क्या बनते हैं हमारे, ये सब मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है. ये आपको दिखा दिया था मैंने शेप्स. अब ये देखिए, ये देखिए, इस चीज़ को समझिए. ये देखिए, ये हमारा बीच में जो है, ये क्या है? हमारा सन है. यहाँ पर ये क्या है? हमारा सन है. और सन के देखिए, ये आसपास पूरे लोग चक्कर काट रहा है, ये सब चक्कर काट रहा है. ये क्या है? प्लैनेट्स है. ये क्या है? प्लैनेट्स. आपकी बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, देखिएगा. ये देखिए, यहाँ सन है और सन के पूरे कहते हैं हमारा कौन कौन सा प्लैनेट है. देखिए, मरकुरी, वेनस, अर्थ इज़ अवर थर्ड प्लैनेट है ना. तो मरकुरी, वेन, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है. मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसी शेप में आपको, मतलब इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड दैट इज लास्ट नेपच्यून. ओके, ये देखिए, यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है. अभी जब एस्ट्रॉयड दिखाया मैंने आपको कि ये पत्थरों से बना हुआ है, जो पूरा ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये पत्थरों से बना हुआ है. ये सारी चीज़ें मीन्स आपका सन, और ये जो प्लैनेट्स हैं, और ये जो हमारा प्लैनेट्स के आसपास में घूमते हैं सैटेलाइट्स उनके, तो जो सैटेलाइट्स हैं और अदर सेलेस्टियल्स बॉडी, जैसे ये एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स जो हैं, ये सब मिला के पूरा क्या बनता है? हमारा सोलार सिस्टम. इसको हम सोलार फैमिली भी बोलते हैं और इसको हम सोलार सिस्टम भी कहते हैं. क्लियर? और देखिए, इसमें और बता देती हूँ मैं आपको, जो ये आपका ये आपका जो एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पे, इसके अंदर वाली जो चीज़ें हैं, देखिए ये आपका आ जाता है, ये इनर प्लैनेट बोलते हैं इसको, और इधर की जितने प्लैनेट्स हैं इसको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से आपके आते हैं? देखिए, मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चार जो हमारे इनर प्लैनेट हैं. और ये क्या है? इसमें ये सन के नज़दीक हैं, इज इट वेरी क्लोज टू सन, ये सन के पास हैं. और दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने हुए? रॉक्स से बने हुए. ठीक है, ये रॉक्स से बने हुए हैं. आपको याद रखना है इनर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. एंड आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये दीज आर आउटर प्लैनेट और दे आर फार अवे फ्रॉम सन, ये सन से बहुत दूर है. और दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ये गैसेस और लिक्विड से फॉर्म है, बना हुआ है. यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, नाउ लेट्स सी. मैंने बता दिया द आपका द सन, आवर एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल्स बॉडी नोन एज एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये सब चीज़ मिला के सोलर सिस्टम बनता है. क्लियर? द सन इज़ अ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अभी सोलर दिखाया कि सब सोलर सिस्टम में सन बीच में है और सब उसके प्लैनेट उसके आसपास घूम रहे हैं. तो सन जो है वो मेन है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में है. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. वो कैसा है? बहुत बड़ा है और ह्यूज गैसेस से बना है. तो कौन कौन सी गैसेस से बना है हम बता सकते हैं कि सन जो है वो किस किस गैस से बना हुआ है? तो बता सकते हैं, यस, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन. सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन होता है. ठीक है, अबाउट 91% वी कैन सी.
हाइड्रोजन देन हीलियम फिर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन से ये गैसेस से बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द. आप सोच सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपनी डायरेक्शंस को कैसे नहीं चेंज कर पाते हैं. मतलब मरकुरी है तो ये ऐसे ही गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये हट के इधर क्यों नहीं चला जाता है. मार्स है तो ऐसे ही क्यों घूम रहा है, गोल 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 क्यों घूम रहा है, इसको तो इधर चले जाना चाहिए था बीच में घूमते 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 घूमते. नहीं, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो सन है और उसका भी क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है. जैसे अर्थ में हम कुछ भी चीज़ फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर फेंकते सब चीज़ नीचे आती, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है. उसी तरीके से जो हमारा सन है, हमारा जो मून है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होते हैं, फोर्स होता है. ठीक है, तो सन में भी एक ग्रेविटेशनल पुल है और वो क्या करता है, सब प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच कर रखता है, वो उनको इधर उधर भागने नहीं देता है, इसीलिए वो उसके पूरे आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं. क्लियर. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. हमको हीट एंड लाइट कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द सन ओनली. ओके, बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बींग अवर नियरेस्ट स्टार. हम आपको बताया था मैंने, सबसे नियरेस्ट में हमारे कौन है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट में सन है. लेकिन सन का हमको सबसे ज़्यादा अभी हमको हीट एंड लाइट वहीं से मिलता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा तेज हीट एंड लाइट हम फील नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि वो सबसे पास भी होने की वजह भी, मतलब हम कह रहे हैं नियरेस्ट प्लैनेट नियरेस्ट स्टार है वो हमारा, लेकिन उस लेकिन पास होने के बावजूद भी वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है. दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर वो हमसे दूर है, इसीलिए हम उसके उस हीट को इतना ज़्यादा नहीं फेस कर पाते हैं ना. तो 150 मिलियन किलोमीटर्स वो हमसे दूर है. ठीक है, तब तक आप इसको रीड कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे.